अक्टूबर क्रांति का क्या अभिप्राय है? अक्टूबर क्रांति का क्या अर्थ है, अभिप्राय है, क्या मतलब है, इसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है, इसका क्या अभिप्राय है, जो आपको स्क्रीन में उसका आंसर भी दिखाई दे रहा है। अक्टूबर क्रांति, यह क्रांति का दूसरा दौर था। अक्टूबर क्रांति यह क्रांति का दूसरा दौर था। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर से प्रारंभ हुई। फरवरी क्रांति के बाद रूस की राजसत्ता केरेंस्की ने संभाली थी। फरवरी क्रांति के बाद रूस की राजसत्ता कौन संभाली थी? केरेंस्की ने संभाली थी, परंतु वह जनता की इच्छाएं एवं आवश्यकताएं पूरी न कर सका। सत्ता तो संभाली थी, परंतु वहां की जनता की इच्छाओं और उनकी आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा नहीं कर सका। वह उद्योगों पर मजदूरों का अधिकार स्थापित न करा सका, किसानों को भूमि न दिया जा सका। अतः अक्टूबर में पुनः क्रांति हो गई। अस्थाई सरकार को भंग कर दिया गया। केरेंस्की देश छोड़कर भाग गया और शासन की बागडोर लेनिन के हाथ में आ गई। अक्टूबर क्रांति यह एक दूसरा क्रांति है। दूसरा क्रांति का दौर था। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर से प्रारंभ हुई। फरवरी क्रांति के बाद रूस की राजसत्ता केरेंस्की ने संभाली थी, परंतु वह जनता की सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकी और उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करने में असमर्थ रही। वह उद्योगों पर मजदूरों का अधिकार स्थापित न करा सका, किसानों को भूमि न दिला सका। अतः अक्टूबर में फिर से क्रांति हो गई। अस्थाई सरकार को भंग कर दिया गया। जो सरकार चल रही थी, केरेंस्की ने जो सत्ता संभाली थी, वह सत्ता भंग हो गई, क्योंकि जनता की आवश्यकताओं को उन्होंने पूरा नहीं किया था, इसलिए क्रांति होने के बाद वह सत्ता उनका भंग हो गई। केरेंस्की देश छोड़कर फिर भाग गया और शासन की बागडोर लेनिन के हाथ में आ गई। तो शायद आपने समझ लिया होगा कि अक्टूबर क्रांति का क्या अभिप्राय है।